दोस्तों आज अपन एक स्पेशल बात कर लेते हैं भाई। जैसे भरतपुर ज़िला है, प्रतापगढ़ ज़िला है, सीकर ज़िला है व जयपुर ज़िला है। दोस्तों क्या है इन ज़िलों का थोड़ा पेमेंट क्या है, इनमें से भरतपुर व जो प्रतापगढ़ ज़िला है जिसमें भरतपुर का अभी बिल पास नहीं हुआ है ना, तो उस पर बात करेंगे क्या करना है आपको। और जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है प्रतापगढ़ ज़िले का, 3 महीने का पेमेंट अभी रुका हुआ है, ठीक है ना। तो इन सभी को क्या करना है, देखो साथियों मेरा ये मानना है आप सही किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाना दोस्तों, जब तक दबाव नहीं बनेगा ना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले अपन प्रतापगढ़ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों प्रतापगढ़ ज़िले का लगभग 3 महीनों का काफ़ी साथियों का पेमेंट रुका हुआ है और काफ़ी का अभी जून व जुलाई का भी नहीं आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे कि यदि आपके पास रोज़गार कार्यालय यदि आपके पास नज़दीक है तो आप जा सकते हो और वहाँ पर जाकर जो अपनी समस्या है उन्हें बताएं, क्योंकि रोज़गार कार्यालय का काम ये होता है कि जो हेड ऑफिस होता है उससे आपके बजट को प्राप्त करवाना, ठीक है ना। क्योंकि जब आपका रोज़गार कार्यालय ही दबाव नहीं बनाएगा तो आगे से जो हेड ऑफिस है वो साथियों बजट हो भेजेगा तो ज़रूर, लेकिन उसमें लेट सेट चलती रहती है इसलिए ना। तो आप सभी रोज़गार कार्यालय जा सकते हैं यदि आपके पास यदि है रोज़गार कार्यालय, और जिसके भाई दूर पड़ता है तो आप 181 पर 2 या 3 बार अपनी शिकायत दर्ज करवाइए, ठीक है ना, कि सर हमारे 2-3 महीने का पेमेंट नहीं आया है, ऐसे ऐसे है, सभी ज़िलों का आ चुका है, ठीक है ना। जब आप सभी साथी मिलकर 181 पर रोज़गार कार्यालय के नाम शिकायत दर्ज करवाओगे ना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1 वीक के अंदर अंदर आपका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा जब फरवरी के माह जयपुर जिले का नहीं आया था तो अपन सभी ने मिलकर एक प्रयास किया था और उसका लगभग 8 या 9 दिन में पेमेंट डाल दिया गया था, ठीक है ना। तो ये तो रही प्रतापगढ़ जिले की बात, ठीक है ना। उसके बाद जिला आता है भरतपुर जिला, क्योंकि भरतपुर जिला सबसे आगे रहता था लेकिन उसका जुलाई माह का पेमेंट अभी रुका हुआ है। तो वो इसका इशू ये है कि आपको भी 181 पर सभी भरतपुर वालों को सिर्फ रोजगार कार्यालय के नाम पर ही शिकायत दर्ज करवाएं। और मैंने साथियों आप सभी को एक वीडियो बनाया था लगभग 1 या 2 महीने पहले, उसमें आपको टोल फ्री नंबर बताए थे सभी 33 जिलों के ना, तो उस वीडियो से आप सर्च कर लेना बेरोजगारी भत्ता टोल फ्री नंबर, ठीक है ना, यूट्यूब पर वो वीडियो आ जाएगा। तो उसमें आप वो नंबर निकाल के आप रोजगार कार्यालय पर भी शिकायत करवाओ और 181 पर भी करवाओ, ठीक है ना, आपका बिल बहुत ही जल्दी पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद नंबर आता है जयपुर जिला। देखो भाई जयपुर जिले का पेमेंट तो आ रहा है लेकिन क्या है इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है ना आना चाहिए था, ठीक है ना। कभी वही मान लो 400 कैंडिडेट का डाल दिया, कभी 600 का डाल दिया, तो सभी का नहीं आ रहा है। अभी जैसे मान लो मेल का कुछ दिन पहले आया था, कल आया था फीमेल का, तो ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी चल रही है। तो आप जयपुर वालों को भी इस पे दबाव बनाना पड़ेगा। दोस्तों मेरा ये मानना है, देखो आप कहीं पर भी चले जाना किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट पे, कि बिना दबाव के कोई भी कार्य फुर्ती से संपन्न नहीं होता है ना। तो सभी मेरे दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों आप थोड़ा दबाव बनाइए, ठीक है, जितना जल्दी आप दबाव बनाओगे आपका अगले महीनों का बिल भी जल्दी पास होगा और पेमेंट भी जल्दी जारी होगा। क्योंकि जो सरकारी डिपार्टमेंट है साथियों कुछ दिनों से कछुए की चाल से चल रहा है, ठीक है, तो इससे घबराइए मत, पेमेंट तो आपका आएगा लेकिन वो लेट सेट हो जाता है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है भाई, वो आगे से वो 1 या 2 महीने का पेमेंट होता है उसको आगे पीछे भी डाल देते, कई बार वो साथ भी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई इसमें इशू है नहीं कि आप ये ना सोचें कि भाई हमारा पेमेंट नहीं आ रहा तो क्या हो गया, पेमेंट आपका आएगा, थोड़ा ये हो जाता है लेट से, ठीक है ना। तो आप यदि इस प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों आपका 1 वीक के अंदर आपको पेमेंट भी देखने को मिलेगा और आपका बिल भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये दोस्तों आप सभी को करना ही पड़ेगा, ठीक है, और आप टेंशन बिल्कुल ना करें, टेंशन करने से कोई इसका समाधान होने वाला है नहीं, ठीक है, आप मस्त रहें, बस मैंने जो बताया वो काम करें आप, ठीक है, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि दबाव बने हेड ऑफिस पर और आपका भत्ता समय रहते पहुँच पाए, ठीक है ना। यदि मान लो आप किसी की तैयारी कर रहे हो और पैसा आप अपने घर से खर्च कर रहे हो और आपका बेरोजगारी भत्ता 1-1.5 महीने बाद आता है तो उस भत्ते का कोई मज़ा नहीं होता है, ठीक है ना। यानी समय से पहले जो भत्ता मिल जाए तो फिर उसका जो आनंद आता है दोस्तों वो बहुत ही शानदार होता है। तो आप ज़रूर ये प्रयास करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।